ठीक है, ठीक है। नॉर्मली जो है वो 8 फीट की बनती है, आप देख सकते हैं 9 फुट पूरी है ये, और बेल्ट वगैरह के लिए वगैरह सेट करके इसको लॉक वगैरह कर सकते हैं। CNC से ग्रूव्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर पेंट किया हुआ है, डिको सीरीज वगैरह लगी हुई है, ये कफ रिंग्स वगैरह के लिए, वॉचेस वगैरह के लिए। अच्छा, थंब इंप्रेशन वाला लॉक, बिल्कुल इसको अपना थंब लगा सकते हैं दो लोगों के लिए इसका, ठीक है वो आप कर सकते हैं। और बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है इस वगैरह रख सकते हैं। इसी तरह इसमें एक ये ड्रॉर दी हुई है नीचे। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, दोस्तों हाजिर है नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हसन थोड़ा सा हमें अपने वार्डरोब तो दिखाएं, जरा बताएं तो सही, आगे आए जरा खोल के दिखाएं क्या स्टाइल है जी। बस ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, हसन आपको खोल के दिखा रहे हैं वार्डरोब, उसका तरीका कार दिखा रहे हैं, ये देखें ये इस तरह से ये वार्डरोब खोल रहा है, ये देखें दोस्तों, ये आप देखते जाएं, फिर आपको रेट भी इसके बताते हैं और बताते हैं कि ये कितने में जो है वो बना हुआ है। बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही शानदार किस्म का ये वार्डरोब है, इस तरीके से कुछ, ठीक है जी। अच्छा जी, जबरदस्त। अच्छा हसन, ये आपके पीछे भी इधर भी वार्डरोब है, ये पहले आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्लोजेट है, ये भी वार्डरोब है, ठीक है। इसी तरह ये भी एचडी सिंक्रोनाइज शीट में बनी हुई है, ठीक है। ये ग्लॉसी लुक में थी, ये मैट फिनिश में है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। दे दोस्तों आप देख रहे हैं वार्डरोब को, ये बगैर इसके जॉइंट के 9 फुट हाइट वाले वार्डरोब, ये आप ले लें। अच्छा जी, ये बगैर जॉइंट के 9 फुट वाली वार्डरोब है, नॉर्मली जो है वो 8 फीट की बनती है, आप देख सकते हैं 9 फुट पूरी है, ये 7 वाली भी इसी तरह ही है जो फोल्डिंग वाली आपने देखी है, आप देख सकते हैं बहुत स्पेशियस वार्डरोब है। लेकिन दोस्तों ऊपर भी जगह है। अच्छा सर, ये हमें दोबारा दिखाइएगा, बताइएगा थोड़ा सा। ये हमारे में फोल्डिंग है, ये आप देख सकते हैं, ये ग्लॉसी लुक में है, इसमें आप ये देख सकते हैं इसकी एक्सेसरीज वगैरह, टाइज और बेल्ट वगैरह के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह इसमें हमारा लॉकर भी हमने दिया हुआ, इस पर आप अपना पासवर्ड वगैरह सेट करके इसको लॉक वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक्सेसरीज में दी हुई है, ये भी बेल्ट और टाई के लिए। नीचे इसका शूर है का सारा, 3 ड्रॉर दी हुई है इसमें, ये अंदर हमने ग्लास की शेल्फ दी हुई हैं, ये मूवेबल है, इसको आप उतार भी सकते हैं, फुल आपको स्पेस मिल जाएगी कि आप शेल्फ यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और वार्डरोब है, आप आगे मैं आपको दिखाता हूँ। एक मात्र में ये वार्डरोब है, ये प्लेन MDF शीट के ऊपर हमने CNC से ग्रूव्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर पेंट किया हुआ है डिको पेंट, आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत प्यारी एक्सेसरीज वगैरह लगी हुई है, ये कफ रिंग्स वगैरह के लिए, वॉचेस वगैरह के लिए की है। थंब इंप्रेशन वाला इसका लॉकर है, ये बच्चों के कपड़ों के लिए एक रैक दिया हुआ है। थंब इंप्रेशन वाला लॉकर, अच्छा थंब इंप्रेशन वाला लॉकर, इसको अपना थंब लगा सकते हैं दो लोगों के लिए इसका, ठीक है वो आप कर सकते हैं। ये बच्चों के कपड़ों के लिए एक रैक है, उसके बाद ये नीचे इसका शू रैक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें यह मिरर दिया हुआ है, इसकी बैक साइड पे रैक दिए हुए हैं, आप जो अपना मेकअप का सामान परफ्यूम्स वगैरह रख सकते हैं। इसी तरह इसमें एक एसेसरी दी हुई है, या आप इसको ऐसा शू रैक भी यूज़ कर सकते हैं, और बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें ओपन शेल्फ दी हुई है, इसमें हमने लाइट भी दी हुई है, ठीक है, इसमें आप अपने कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं, बुक्स वगैरह रख सकते हैं। इसी तरह इसमें एक ड्रॉर दी हुई है नीचे। ये इसका हैंगर है, ठीक है। हसन सबसे पहले हम क्विकली तौर पे बात करते हैं, ये क्या मटेरियल है, इसके बारे में बताइए। ये MDF शीट है, उसके ऊपर डिको पेंट किया हुआ है, और आपने कट्स लगाए हुए हैं मशीन से, ठीक है, CNC से। अच्छा इसकी क्या स्क्वायर फीट और इसकी पेमाइश कैसे लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। इसकी हम माजिन भाई मेजरमेंट लेते हैं विड्थ और हाइट। नॉर्मली लोग क्या करते हैं इसकी डेप्थ भी लेते हैं, वो गलत काम है, वो होती नहीं है। तो हम लोग इसका जो आप देख रहे हैं डिको वाली वार्डरोब है, ये स्टार्ट हो रही है 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से 1500 तक। इसके अलावा जो सिंक्रोनाइट शीट के मैंने आपको दिखाई थी, उस तरफ आपको मैं दिखा देता हूँ। जी जी, ये इसकी डिटेल बता दें पहले। जी जी, ये जो वार्डरोब है स्लाइडिंग में क्लोजेट AGT शीट्स में, ये आपको स्टार्टिंग फ्रॉम 2500 टू 3000 है।
2500 to 3000। इसमें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें वुडवर्क होता है और हार्डवेयर होता है, लेबर इंक्लूड होती है, एक्सेसरीज वगैरह जो भी हैं वो आप अपनी पसंद से जो लगवाना चाहें उसके चार्जेस अलग होते हैं। ये भी क्लोजेट है, ये मैट फिनिश में है, आप देख सकते हैं टेक्सचर इसकी एम्बॉज वाली फीलिंग है और 9 फुट हाइट है। बाकी इसमें ओपन शेल्फ भी नहीं है कुछ। इसकी कीमत थोड़ा सा बताइएगा इधर करीब। ये भी सेम रेट उसी तरह 2500 से 3000 रुपये तक। अच्छा, अब हसन ये जो आपने लगाई हुई है ये है एक मास्टर बेडरूम के लिए ना, बड़ी बड़ी ये पूरी दीवार में, इसकी इस तरह से हाइट कितनी है, ये 2.5 फुट है कितनी है? नॉर्मली ये 2 फुट बनती है, 2.5 फुट नहीं बनती, 2 फुट इसकी गहराई होती है और चौड़ाई और लंबाई आपकी जगह के हिसाब। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उन्होंने ना गहराई ज्यादा भी दी हुई होती है, जगह बनाई हुई होती है स्पेस, वो फिर आप जाके पैमाइश लेके उसी हिसाब से मुकम्मल करते हैं। हम बनाते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अगर वो कहे हमें 2 फुट से भी कम चाहिए वो भी बन जाएगी, ज्यादा कहेंगे ज्यादा भी बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, हमने जो सबसे पहले डीको वाली देखी, उसके बाद सिंक्रोनाइट देखी, अब ये जो हम बड़ी भी देख रहे हैं ये एक एक कितने लाख रुपए में एक बन रही है या कितने हजार रुपए में बन रही है, थोड़ा सा कोई रफ एक आइडिया दो लोग ये। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि जैसे आपने हमें MDF दिखा दी, सिंक्रोनाइट दिखा दी, एल्यूमिनियम प्लस ये सारा सेटअप दिखा दिया, हमें इस चीज का है पता कि हम एक एल्यूमिनियम की छोटी छोटी विंडो बनवाने जाते हैं तो वो भी 30-30 हजार तक पहुंच जाती है, ठीक है, 3x3, 4x4 ये नजर आ रही है विंडो, ये कितने लाख कितने हजार, क्या इनकी सूरत हाल है, क्या मामला? ये वाली वार्डरोब जो है 3.5 लाख की हमारे पास इस टाइम, ये एक्चुअल में बिल्कुल पूरी वार्डरोब, और ये वार्डरोब जो है ये तकरीबन 2,80,000-90,000 की रेंज की है। बाकी वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट, अगर आप एल्युमिनियम ग्लास ऐड करवाना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, आप फुल इसको वुड में वुड शीट में करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। कहने का मकसद ये कि अगर ये वार्डरोब 3 लाख की है आप इसको 2-2.5 लाख तक भी लेके आ सकते हैं अपने सोच के मुताबिक, हम इसको लाख तक भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। वो शीट ये है कि ये इम्पोर्टेड इटालियन शीट है, उसमें आपकी है कि आम लेमिनेशन में बन जाएगा, ये आपकी 1,90,000 में भी आ जाएगी, ये शीट और क्वालिटी की वजह से। और MDF वाला इनसे भी सस्ता हो जाता है? बिल्कुल ऐसी है, MDF वाला जो है वो 1,50,000-1.5 लाख में भी होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये सूरत हाल है दोस्तों, ये आपको तमाम की तमाम चीज जो हसन ने बताई है इस मामलात के हवाले से ये आप देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना, हसन ने आपको बताया 3 लाख, अब देखिए इसमें लगा हुआ क्या क्या है दोस्तों, इसमें शीशा है, एल्यूमिनियम है, आप लोगों की विंडो का साइज अगर 9.5 फुट नहीं है, हसन ये बता दें कि आप जाते हैं नुमाइंदा आप लोगों का जाता है पेमाइशियल आता है फिर जाके फिक्स करते हैं, ये थोड़ा सा दोस्तों को बता देंगे कंफ्यूज ना। जी बिल्कुल, कस्टमर हमारे पास आता है डिज़ाइन पसंद करता है, उसके बाद हम जाके मेजरमेंट करते हैं उनकी जगह के हिसाब से, उनको डिज़ाइन देते हैं कि आपका इस तरह ये साइज इस तरह ये पल्ले आएंगे बनेगा, वो ओके करते हैं, फिर हम एडवांस लेके अपनी फैक्ट्री में काम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब वो रेडी हो जाता है तो हमारी लेबर वहाँ साइट पर जाके इसको इंस्टॉल करती है, कस्टमर से ओके करती है और रिमेनिंग पेमेंट विद इन डे, ठीक है, सेम डे में जो है इंस्टॉलेशन का काम हो जाता है, कोई ज्यादा लंबिया चौड़ी चीजें नहीं होती दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते, चाहे हसन का जो नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और आप तभी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।